हाय गाइस, हाउ आर यू गाइस डूइंग? आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में आई एम गोना शेयर आयुर्वेदिक वे टू डिटॉक्सिफाई आवर बॉडीज। डिटॉक्सिफिकेशन मींस इन आयुर्वेदा इट्स ऑल अबाउट पर्गिंग द टॉक्सिन्स और आमा दैट एक्यूमुलेट इन आवर बॉडीज ओवर टाइम ड्यू टू पुअर डाइट, स्ट्रेस एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जिसके कारण हमें इरेगुलर पीरियड्स, हार्मोनल इंबैलेंस, PCOD, PCOS एंड थायराइड और ना जाने कितनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। द बेस्ट पार्ट, आयुर्वेदा ऑफर्स अस होलिस्टिक टेक्निक्स दैट आर नेचुरल, सेफ एंड इजी टू इंटीग्रेट इन टू आर डेली लाइफ। टूडे आई विल बी शेयरिंग 10 पावरफुल प्रैक्टिसेस दैट विल लीव यू फीलिंग लाइट एंड रेजुवेनेटेड। लेट्स स्टार्ट विद नेत्र शुद्धि, विच मीन्स आई क्लीनिंग। मॉर्निंग में उठने के बाद में आई को क्लीन करने से आई स्ट्रेन एंड टेंशन में रिलीफ होती है एंड ऑल्सो रिमूव्स टॉक्सिन्स एक्यूमुलेटेड अराउंड आईज थ्रू द नसल फ्लो। इसी के साथ में ये पफी एंड टायर्ड आईज में भी हेल्पफुल है। बस मॉर्निंग में उठने के बाद में 20-25 टाइम्स वाटर को अपने आईज के ऊपर स्प्लैश करना है एंड उसके बाद में आपकी सारी लेजीनेस दूर हो जाएगी। Now let's move on the copper water. Drink copper water every morning on an empty stomach, copper bottle या फिर लोटा इस जिसके अंदर हमें पूरी रात पानी भर के रखना है एंड सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के उस पानी को पीना है। ऐसा करने से हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं और दिस हेल्प्स डिटॉक्सिफाई सिस्टम हैज न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स फ्रॉम इम्प्रूविंग डाइजेशन टू इनहेंस आर इम्यूनिटी। एंड कॉपर वाटर थायराइड फंक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि कॉपर हेल्प करता है हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस एंड ऑब्जर्व करने में विच कैन ऑप्टिमाइज मेटाबॉलिज्म। एंड डोंट फॉरगेट अबाउट टंग क्लीनिंग और जीवा निर्लेखना। आई यूज अ कॉपर स्क्रैबर फॉर दिस। जेंटली स्क्रैब योर टंग फ्रॉम बैक टू फ्रंट एवरी मॉर्निंग। इट्स रिमूव टॉक्सिन्स एंड बैक्टीरिया वाइल प्रमोटिंग oral hygiene and freshened breath. It's a small step that make a significant impact on your overall health. Next is Abhyanga. It's an Ayurvedic massage. This self-care technique activates your lymphatic system, supports detoxification and promotes healthy circulation. मैं हमेशा नहाने से पहले और नहाने के बाद में अपनी बॉडी मसाज करती हूँ। समर में मैं कोकोनट यूज़ करती हूँ और अब तो विंटर आ रही है तो मस्टर्ड ऑयल तो बेस्ट है। वार्म ऑयल को अपने स्कैल्प से लेके नीचे तक फीट तक ऑयल को अप्लाई करना है। उसके बाद में हम थोड़ी देर धूप में बैठ सकते हैं जिससे कि हमारी बॉडी स्वेटिंग के थ्रू टॉक्सिन्स को रिमूव करेगी। PCOD के कारण हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा टायर्डनेस और लेजीनेस फील करती है और तो विंटर आ रही है तो और ज़्यादा लेजी हो जाती है, लेकिन जब हम अभ्यंगा को परफॉर्म करते हैं तो ये हमारे एनर्जी लेवल को बूस्ट करती है और हमारी बॉडी पूरे दिन एनर्जेटिक फील करती है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट रिलैक्सेशन, ये हमें बेटर स्लीप में भी हेल्प करती है। ट्रस्ट मी, यू विल फील अमेजिंग आफ्टरवर्ड। नेक्स्ट इज नस्यम, विच मीन्स ऑयल एप्लीकेशन ऑन नॉस्ट्रिल्स। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमारा जो नाक है वो हमारे ब्रेन का दरवाजा है। नस्यम पंचकर्मा डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी है जो कि एलिमिनेट करती है टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी से। यू कैन यूज अ फॉर्मुलेटेड नस्या ऑयल। मैंने यहाँ पर घी यूज किया है लेकिन हम सेसमे ऑयल भी यूज कर सकते हैं। अप्लाई बाय प्लेसिंग द ऑयल ऑन योर स्मॉल फिंगर एंड इंसर्टिंग इन टू वन नॉस्ट्रिल while closing the another nostril. This is not only cleans your sinus but also enhance mental clarity. हम इसको रोज परफॉर्म नहीं कर सकते हैं लेकिन कभी जुकाम हो, जब हमारी नाक बंद हो, दैट टाइम हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। जस्ट अ फ्यू ड्रॉप आर इनफ टू सपोर्ट रेस्पिरेटरी हेल्थ। नेक्स्ट अप इज गंडूशा और ऑयल पुलिंग। दिस अमेजिंग प्रैक्टिस रिमूव टॉक्सिन्स एंड इम्प्रूव्स डेंटल हेल्थ टू। रिमेंबर इट्स अबाउट क्वालिटी नॉट क्वान्टिटी। इंजॉय द प्रोसेस क्योंकि हमें इसको 10-15 मिनट्स करना है और ग्रेजुअली हम टाइम को इंक्रीज कर सकते हैं। आई पर्सनली फील कि इसको करने से है ना फेशियल मसाज भी हो जाती है और हमारी जो फेस की मसल्स होती है वो एक्टिव हो जाती है। ऑयल पुलिंग के लिए मैंने कोकोनट ऑयल का यूज़ किया है लेकिन हम सेसमे ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। और साइन ऑफ एजिंग को कम करना है तो ऑयल पुलिंग बेस्ट है। नाउ इट्स टाइम टू गेट द एनर्जी फ्लोइंग विद कपाल भाती, अ क्लीनिंग क्रिया विच एनर्जाइज द बॉडी एंड माइंड। इट्स एक्सीलेंट फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, इम्प्रूविंग मेटाबॉलिज्म एंड इनहेंसिंग लंग कैपेसिटी। अ वंडरफुल ब्रीदिंग टेक्निक, सिट कंफर्टेबली एंड टेक अ डीप ब्रीथ इन। नाउ फोर्सफुली इनहेंस थ्रू योर नोज, कॉन्ट्रैक्टिंग योर स्टमक। रिपीट दिस फॉर अ मिनट और सो।
रिमेंबर, हमें इसे एम्प्टी स्टमक ही प्रैक्टिस करना है फॉर बेटर रिजल्ट। इसी के साथ हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, जिसको भी आयुर्वेदा में बहुत अच्छा माना गया है। डीप ब्रीदिंग इज नॉट ओनली काम द माइंड बट ऑल्सो एड्स इन डिटॉक्सिफाइंग द बॉडी बाय इनहेंसिंग ऑक्सीजन फ्लो एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेस। नेक्स्ट अप इज दंत मंजन। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग दंत मंजन दांतों और मुंह की सफाई के लिए बहुत अच्छा होता है। आयुर्वेदा में दंत मंजन एक ट्रेडिशनल टूथ पाउडर होता है, जो कि जड़ी बूटी, मसालों और मिनरल से मिलकर बनाया जाता है। टीथ को क्लीन करने के लिए हम नीम स्टिक का यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो दंत मंजन यूज कर रही हूँ वीको का, ये टेस्ट में भी अच्छा है, नहीं तो ज्यादातर दंत मंजन जो होते हैं वो कड़वे होते हैं। इट कैन हेल्प इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ योर गम्स, टीथ एंड टंग। ऑयल पुलिंग करने के बाद में हमें मेक श्योर करना है कि हम अपने टीथ को टूथपेस्ट से या फिर दंत मंजन से एकदम अच्छे से क्लीन करें। नेक्स्ट टॉपिक इज कर्ण पुराना। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा और हो सकता है कि बहुत से लोगों को इस चीज के बारे में पता हो। ये एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है जिसमें करना मीन्स ईयर एंड पुराना मीन्स फिलिंग। इसको मैं रोज नहीं करती, लेकिन जब भी जुखाम होता है तो मेरा जो कान है वो थोड़ा भारी लगने लगता है। दैट टाइम मम्मा इसको ऑयल को प्रिपेयर करती है, तो इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल एंड इसके अंदर लहसुन की कलियां ऐड करनी है एंड वार्म ऑयल को अपने ईयर के अंदर डालना है। दिस ऑयल ऑब्जर्व्ड थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द ईयर एंड प्रोवाइडिंग इमीडिएटली थेरापेटिक इफेक्ट्स, एंड ये ईयर के अंदर जमी वैक्स को भी क्लीन करने में हेल्प करता है। Gently massage a few drops into a ear using cotton. It's a great way to improve hearing and elevate ear arches. Plus, the warmth gives you such a cozy feeling. Now, let's move on to the Upton massage, which is very very common. लेकिन सबका different तरीका होता है Upton को use करने का. This is lovely exfoliating scrub made from natural ingredients. Mix besan, turmeric. Kitchen turmeric का ना use करके हम आमा हल्दी का use कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने इसके अंदर add किया थोड़ा सा कच्चा दूध और सरसों का तेल। A mixture of Ayurvedic herbs जैसे कि turmeric apply over the body. This eventually improve the health of skin and improve its appearance naturally. इसको अपनी पूरी body पे apply करना है। 10 to 15 minutes छोड़ने के बाद में हमें इसके हल्के हल्के हाथों से साज करके रिमूव करना है। That is the process. After that, your skin will feel silky, soft, and the turmeric fantastic from Radiant. Plus, you are toxifying from the outside in. Now let's explore the Nabhi Chikitsa or Navel Oiling. The belly button is thought to be the center of energy in Ayurveda. Balancing the navel chakra is assumed to help in maintaining balance in all the area of life. Use a dropper to place a little oil in your navel and let it be soak into a 30 minutes. It's simple practice. हम इसको रात को follow कर सकते हैं for better result. हम different oil का use कर सकते हैं for different condition. मैंने यहाँ पर कस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है, जो कि रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन एंड स्मूथ मेंस्ट्रुअल क्रैम्स एंड प्रमोट पोटेंशियल डिटॉक्सिफिकेशन। हमारी बॉडी तभी हेल्दी दिखेगी जब वो अंदर से हेल्दी होगी, तो हमें अपनी डाइट के अंदर ऐसी चीज़ें ऐड करनी है जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसीलिए मैं मॉर्निंग में ड्राई फ्रूट्स को खाती हूँ। सो देयर यू हैव इट, माई होलिस्टिक approach to detoxifying the body using Ayurvedic methods. So that's it for this video. I hope ye video aapko pasand aaya hoga. Milte hain next video mein. Okay, bye.